हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, वेपरेशन। वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के जो वायवीय भाग है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि तना, पत्तियाँ, इनसे जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार का होता है बच्चों। पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपतचीय वाष्पोत्सर्जन और बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है, देखिए यह 80-90% होता है प्लांटों के अंदर, जबकि उपतचीय वाष्पोत्सर्जन 9% होता है और बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 0.1 से लेकर 1% तक होता है। दूसरा डिफ्रेंशिएट देखिए इन तीनों में। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों में उपस्थित मतलब जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो संपन्न होने वाला वाष्पोत्सर्जन है उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। उपतचीय देखिए क्या होता है। पत्ती व तने पर पाए जाने वाली मोम की परत, क्यूटिकल कहते हैं इसे, के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपतचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बातरंध्रीय क्या होता है, देखिए तने व फलों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र बातरंध्र के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हम वापस से इसको रिपीट करते हैं हल्का सा। यहाँ पर देखिए पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उनसे जो जल वाष्पित होकर निकलता है उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। पत्ती व तने के ऊपर मोम की परत पाई जाती है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। उन छिद्रों से निकलने वाला जल वाष्प है उसे हम उपतचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वातरंध्रीय, वातरंध्रीय क्या होता है, तने व फलों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बातरंध्र का कार्य करते हैं, उनके द्वारा निकलने वाला जल वाष्पित होकर उसे हम बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों में तीन प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। उपस्थिति के आधार पर बात करते हैं यहाँ पे, अधोरंध्री, उभयरंध्री, अधिरंध्री। अधोरंध्री शहतूत के अंदर पाया जाता है, जब रंध्र पत्ती की केवल निचली सतह पर होते हैं, मतलब ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसमें पत्ती की निचली सतह पर ही वाष्पोत्सर्जन पाया छिद्र पाए जाते हैं, उनसे होने वाला जल वाष्प के रूप में निकलता है, उसे हम अधोरंध्री कहते हैं। उभयरंध्री जब पत्ती की दोनों सतहों से समान रूप संख्या में उपस्थित होता है, मतलब दोनों सतहों पर पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह पर जो रंध्र है वो समान रूप से पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उभयरंध्री बोलते हैं। ये जई के अंदर पाया जाता है, इसको उदाहरण क्या है यहाँ पे, जई। अधिरंध्री, अधिरंध्री जब पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं छिद्र और उनसे होने वाला जल वाष्पोत्सर्जन है उसे, जैसे कि इसका जो मुख्य रूप से उदाहरण है इसका, आपके जलकुंभी, लिली, आपके जलीय प्लांट है, कमल का है, कुंदमिनी है, सिंगाड़ा है, इनके अंदर पाया जाता है। अधोरंध्री का अगर हम सुटेबल एग्जाम्पल की बात करें, यह अधिकांश द्विबीजपत्री पादप होता है। द्विबीजपत्री पादप कौन से होते हैं, जिनके अंदर जाली का वत सिर्फ न्यास पाया जाता है पौधों की पत्तियों पर, जैसे सेब, शहतूत, आपका पीपल, बरगद, जड़ी बूटी आदि। उभयरंध्री क्या होता है, अधिकांश यह है एक बीज पत्री पादपों में पाया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, जई, आपकी और अन्य प्रकार की घासें हैं, दूब हैं, उनके अंदर आपको एक बीज पत्री प्रकार के पौधे होते हैं, उनके अंदर आपको उभयरंध्री प्रकार पाया जाता है, उनके दोनों सतह पर ही आपके रंध्र पाए जाते हैं। अधिरंध्री क्या होता है, देखिए ये मुख्य रूप से जलीय हाइड्रोफाइटिक प्लांटों के अंदर पाया जाता है, कुंदमनी है, सिंगाड़ा है आदि प्लांटों के अंदर पाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना कैसी होती है। देखिए प्रत्येक रंध्र दो वृत्ककार कोशिकाओं से घिरा रहता है, इसे हम GC या गार्ड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। वृत्ताकार संरचना कैसी होती है, देखिए इसका हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सेब के वृत्ताकार संरचना होती है उनको हम
स्त्री की वक्र का संचना होती है, यानी हम क्या बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, क्या बोलेंगे इनको हम द्वार कोशिका कोशिकाएं कहेंगे इनको, गार्ड सेल जी सी के नाम से भी इनको जानते हैं। स्त्री की संचना होती है द्वार कोशिकाएं। दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच उपस्थित छिद्र रंध्री छिद्र होता है। अगर हम देखते हैं तो ये दोनों द्वार कोशिकाएं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के मध्य में जो छिद्र पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको रंध्र कहते हैं इसको रंध्र। द्वार की बाहरी सतह पतली और भीतरी सतह मोटी होती है। इसकी अगर हम इसकी द्वार कोशिकाओं की सतह की बात करते हैं तो बाहर की सतह तो इसकी पतली होती है और अंदर की सतह इसकी मोटी होती है। इसकी कैसी होती है, मोटी होती है इसकी। भीतरी सतह पर सेलुलोज जमा हो जाता है। प्रत्येक रंध्र के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती है तथा जिन्हें हेल्पिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। द्वार कोशिकाओं के भीतर हरितलव उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। द्विबीज पत्री में द्वार कोशिकाएं किडनी शेप में होती है, किडनी के शेप की। एक बीज पत्रियों में द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, डंबल के आकार की। यहाँ देखिए एक रंध्र का यहाँ पे या स्टोमेटा का यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताया गया है। ये इसकी द्वार कोशिकाएं हैं और इसकी जो चारों तरफ लगी हुई ये इसकी सहायक कोशिकाएं हैं। इसकी बाहरी सतह पतली होती है, आंतरिक सतह इसकी मोटी पाई जाती है। कैसी होती है इसकी आंतरिक सतह, इसकी मोटी होती है इनकी रंध्र की आंतरिक सतह और इसके चारों ओर इसकी सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। अंदर तरफ इसमें एक क्यूटिकल, इसको कह सकते हैं सेलुलोज की मोटी परत पाई जाती है। ये आपका द्वार कोशिका या कहीं दोबारा इसको हम समझाया गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे स्टोमेटा का डायग्राम, आगे का हम जो चैप्टर है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे यहाँ। थैंक यू।